अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक। इट इज अबाउट प्लुरल। सो हियर इन दिस पिक्चर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड यू आस्क योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग, यू कैन आस्क योर फ्रेंड एज वेल। ऑलराइट, सो इफ देयर इज अ वन थिंग दैट यू वांट टू नो, अगर कोई भी एक चीज़ है उसके बारे में आपको जानना है या पूछना है किसी से, तो आप किस तरह से पूछेंगे? लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? एक एप्पल्स है। तो जब एक चीज़ होगी तो हम पूछेंगे व्हाट इज़ इट या व्हाट इज़ दिस। आप किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? ठीक है, इसी तरह से तो कोई अब आंसर क्या करेगा? अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, तो आई विल से इट्स एन एप्पल। ऑलराइट, और अगर आप मुझसे फिर यहाँ पूछेंगे व्हाट आर दीज, तो मैं आपको क्या कहूँगी? दीज आर एप्पल्स। ऑलराइट, सेम लाइक व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ ट्री। व्हाट आर दीज, दीज आर ट्रीज। सेम लाइक व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बॉल। व्हाट आर दीज, दीज आर बॉल्स। सो डू यू नो व्हाट चेंजिंग आर वी मेकिंग? आपको लग रहा है कि हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम इसको सिंगुलर पढ़ें एक दफ़ा, और एक दफ़ा प्लूरल के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा इस मंथ का? नेक्स्ट टॉपिक सिंगुलर प्लूरल। वेरी नाइस। व्हाट इज दिस, दिस इज़ अ फ्लावर। व्हाट आर दीज, दीज आर फ्लावर्स। ऑलराइट, सेम लाइक व्हाट इज दिस, दिस इज़ अ डॉग। व्हाट आर दीज, दीज आर डॉग। आपने नोट किया जब मैंने एप्पल बोला था तो मैंने कहा दिस इज़ एन एप्पल। एन एप्पल क्यों कहा? क्योंकि ये एप्पल ए से स्टार्ट होता है और ए किसका लेटर है? ए वाउल है। ठीक है, जब हम कोई भी ऐसी चीज़ जो वाउल से स्टार्ट होती है उसके आगे क्या लगाते हैं? एन। दिस इज़ एन एप्पल एंड दीज आर एप्पल्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ कार। व्हाट आर दीज, दीज आर कार्स। सेम लाइक पिलो, pillows, box, boxes. What is this? This is a pillow. What are these? These are pillows. What is this? This is a box. What are these? These are boxes. Alright, so things near you, आपको करना क्या है? जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, ठीक है, फ़ैन होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, बुक्स होते हैं, तो आपने सबसे आज जो है एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या पूछेंगे? अगर सिंगुलर चीज़ है, एक चीज़ है, तो उसके लिए आप बोलेंगे व्हाट इज़ दिस, और एक से ज़्यादा है तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट आर दीज। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द होमवर्क। अब आपको कॉपी वर्क शेयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर कॉपी वर्क। बिफोर डूइंग एनीथिंग, यू नो यू हैव टू राइट डाउन द डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज एंड इस्लामिक डेट इज वेल। ऑलराइट, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ, टू यूज़ द ब्लू कलर टू राइट डाउन द हेडिंग्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल्स। आपने करना क्या है? ब्लू कलर से सिंगुलर एंड प्लूरल की हेडिंग डालनी है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं? सिंगुलर मतलब कोई एक चीज़ के बारे में जिक्र हो या कोई एक चीज़ हो, और प्लूरल मोर देन वन। जैसे हमने पिछले पिक्चर में पढ़ा, सिंगुलर एक चीज़ और प्लूरल एक से ज़्यादा। ठीक है, अगर एक चीज़ है तो मैं कहूँगी देयर इज़ अ डोर, डोर, और एक से ज़्यादा हैं तो डोर्स। इसी तरह से एक फ़ैन है तो फ़ैन, एक से ज़्यादा है तो फैंस। स्कूल है तो एक, और एक से ज़्यादा है तो स्कूल्स। वाज सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो वाजेस। वॉल्फ एक है तो सिंगल, और वॉल्स एक से ज़्यादा है तो वॉल्स। शेल्फ सिंगुलर है, एक है तो एक शेल्फ, और एक से ज़्यादा है तो शेल्व्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स टर्न टू पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर, नेक्स्ट। Here are two more. The first is cherry. And what is the plural of cherry? Cherries. It's a butterfly. What is the plural of butterfly? Butterflies. Cherry, cherries, butterfly, butterflies. Now let's read one more time. Number one is door. The plural is doors. The plural of fan is fans. Singular is school. Schools. Vases. Wolf, walls. Shelf, shelves. Cherry, cherries. Butterfly, butterflies. Alright students, what you need to do is to write this work into your language copy neat and clean. Till your next lecture, Allah Hafiz.